तो टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। तो एक लेवल रोड है, ये लेवल रोड है, कार घूम रही है, कार घूम रही है। मेरा पहला क्वेश्चन, अगर कार लेवल रोड पे घूम रही है और बहुत तेज घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमेगी, आप गाड़ी तेज कर रहे हैं, आपके टायर घिसने स्टार्ट हो जाएंगे, कौन से, सेंटर की तरफ वाले या अवे फ्रॉम सेंटर वाले? मतलब ये मान लो ट्रैक है, ये मान लो ट्रैक है, कुछ इस तरीके से ये ट्रैक है, तो ये वाले टायर दो घिसेंगे या अवे वाले बाहर की तरफ वाले घिसेंगे? अंदर वाले कि बाहर वाले? अंदर वाले। ओके, चलो एक काम करते हैं, गाड़ी को छोड़ो, तुम ही भागना शुरू कर दो चौक के आसपास, इस राउंड अबाउट के, आप तुम भागोगे तेज तेज तेज। कैसे? आप तेज भाग रहे हो, आप सीधा तो भागोगे नहीं, गोल गोल मुड़ना है और भागना बहुत तेज है। और जैसे इमेजिन करो, मैं बिल्कुल सामने जा रहा हूँ, बहुत तेज जा रहा हूँ, और मुझे किसी ने कहा कि सर फटाफट लेफ्ट मुड़ना है, अब स्पीड तो मेरी बहुत तेज है। अब सोचो अगर मैं तेज जा रहा हूँ और मुझे एकदम ब्रेक लगानी पड़े, कौन से पैर पे जोर पड़ रहा है? राइट वाले पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे कहाँ मुड़ना है? लेफ्ट। तो एकदम ब्रेक लगा, अब ये तो नहीं होता मैं लेफ्ट से ब्रेक मारूंगा और फिर इधर उड़ूंगा, नहीं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप भाग रहे हैं लेफ्ट मुड़ना है, फिर आप इधर मुड़ते हैं। इमेजिन कर लें, चलो आपके पास एक टेबल, राउंड टेबल है, टेबल के आसपास आपको बहुत तेज घूमना है, कौन से पैर पे ज्यादा जोर पड़ेगा और तेज भागना है और मुड़ना भी है? आउटर, राइट वाले पे। आप ऐसे घूम रहे हैं तो राइट वाले पे जोर पड़ता रहेगा। तो इसकी भी दो टांगे हैं, ये लेफ्ट वाली और राइट वाली, तो ये भी जब घूमेगा तो ये कहाँ गिरने की इसकी टेंडेंसी है? आउटर, ये बाहर गिरने की कोशिश करेगी कार, तो जोर कहाँ पड़ रहा है? आउटर, इनर पे नहीं है, आउटर पे। आप सोचे ना, आप कार है, मालूम है कार हूँ, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो अगर मुझे ऐसे घूमना है तो ऑब्वियसली किस पैर पे जोर पड़ेगा? राइट पे पड़ेगा, तो राइट 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 के हिसाब से मैं मुड़ूंगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? और अगर मैं गिर गया तो मैं टेबल के ऊपर नहीं गिरूंगा, मैं अवे फ्रॉम टेबल गिरूंगा, तो मेरे राइट पैर पे जोर ज़्यादा पड़ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि आउटर पे, राइट की जगह मुझे आउटर बोलना चाहिए। कार की भी सेम सिचुएशन है, कार भाग रही है मान लो, तो हर वक्त उसको एक टांग पे रख के दूसरे को मोड़ना है, तो इस पे जोर पड़ेगा आउटर पे। तो कौन से टायर पहले घिसेंगे, ये क्वेश्चन आएगा, आउटर घिसेंगे। क्लियर है? और इस घिसने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हिल स्टेशन पे बैंकिंग की जाती है, ताकि घिसे ना, थोड़ा ट्रैक को ऊपर उठा देते हैं, ताकि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम हो। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरा क्वेश्चन, बच्चे वो टॉय ट्रेन लेते हैं, वो रेल्स बनी होती हैं, तो गोल गोल गोल, तो उसमें चिंगारियां भी निकलती हैं जब वो चल रहा होता है, और साथ में घिसती भी हैं वो रेल्स, कौन सी घिसेगी, इनर की आउटर? आउटर, ट्रेन की भी दो टांगे, वो आउटर 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 के बाहर ही गिरने की कोशिश करेगी, इनर गिरेगी नहीं, हर कोई कार बाहर गिरने की कोशिश करता है, तो आउटर रेल्स के ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा और जो है ज़्यादा घिसेगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? अब इसमें इसकी टेंडेंसी गिरने की कहाँ होती है? बाहर की तरफ। तो ये बहुत तेज अगर कार आएगी तो राउंड अबाउट के ऊपर नहीं गिरेगी, अवे फ्रॉम राउंड अबाउट गिरेगी, तो इस, और अगर गिर नहीं रही तो कौन इसको गिरने से रोक रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर ये कार लेवल रोड के आसपास घूम रही है तो फ्रिक्शन कॉन्टिन्यूसली कहां कर रही है? टूवर्ड्स सेंटर, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो फ्रिक्शन कहां कर रही है? टूवर्ड्स सेंटर, और इसको गिरने से रोक रही है। तो इसका मतलब कि इसमें कौन इस कार को सर्कल में घुमा रहा है? प्योरली फ्रिक्शन। बैंकिंग तो कर नहीं सकते, और अगर बैंकिंग नहीं करेंगे तो कौन सी फोर्स बची? फ्रिक्शन। दो ही तो चीज़ें हैं जो कार को सर्कल में घुमा सकती हैं, एक बैंकिंग, वो की नहीं, तो बची क्या? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ करेगी? टूवर्ड्स सेंटर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? अगर आप राउंड अबाउट को ध्यान से देखें, स्पेशली चंडीगढ़ के राउंड अबाउट जितने भी हैं, उसमें मटीरियल राउंड अबाउट के अबाउट डिफरेंट यूज़ करते हैं, रबर का यूज़ किया हुआ है उन्होंने, नॉर्मल सड़क सड़क है, राउंड अबाउट के आसपास मटेरियल डिफरेंट है, यहाँ भी पंचकुला में एक दो जगह है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार को तेज घूमना है, और कौन बचाएगा गिरने से? फ्रिक्शन। तो मटेरियल वो चेंज कर देते हैं, हाई फ्रिक्शन यूज़ करते हैं ताकि कार स्लिप ना हो। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? फ्रिक्शन। अब क्योंकि आउटर टायर्स पे ज़्यादा जोर है, तो रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर। इसका रिएक्शन अलग होगा, इसका रिएक्शन अलग होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा जोर है, यहाँ कम जोर है, बताया ना, आउटर ज़्यादा घिस रहा है तो ये आउट
रिएक्शन यहाँ पर दो टायर्स का R2 है और ये क्या है R1। हाँ टोटल रिएक्शन कितना है R1 प्लस R2, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन R1 प्लस R2 और वेट कितना है इसका mg। तो अब अगर आप इसे घुमाना चाहते हो सर्कल में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है F1 प्लस F2 म्यू टाइम R1 प्लस R2। अगर आप इसे घुमाना चाहते हो सर्कल में तो जो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम से कम इक्वल होनी चाहिए, यानी कि वो एक्ट करेगी सेंट्रीपिटल, या फ्रिक्शन ज़्यादा भी हो तब भी चलेगा। कार स्लो चल रही है कोई बात नहीं, फ्रिक्शन ज़्यादा है तो भी चलेगा, तब भी सर्कल में घूमेगी कार। तो इसलिए क्या लिखा जाता है, टोटल फ्रिक्शन म्यू टाइम्स R1 प्लस R2 शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीपिटल फोर्स mv² / r। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो अगर आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम से कम सेंट्रीपिटल के इक्वल है उससे बड़ी है तो ऐसे केस में सर्कल में घूमेगी कार। तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल है mg, m से m कैंसिल, तो क्या आ गया ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, तो वेलोसिटी की वैल्यू इस कार की अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी से कम है या लेस देन वैल्यू है, या तो लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू लगा देते हैं। तो ये कार मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस स्पीड पे घूम पाएगी। तो आप अगर राउंड अबाउट को देखें तो वहाँ म्यू पता है, आर पता है, जी पता है, तो वहाँ राउंड अबाउट के बाद लिख दिया जाएगा ट्रैफिक वालों की वजह से कि इसकी मान लो म्यू पुट किया, आर पुट किया, जी पुट किया और आंसर आया 80 किलोमीटर पर आर, कि कार 80 किलोमीटर पर आर पे घूम जाएगी। अगर आपने 81 कर दी कार स्लिप होएगी ही होएगी, कार की स्लीडिंग होनी होनी है, राइट। तो आप बैनर लगा देंगे कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितनी है, 80 लगाएंगे नहीं, इंडियन है, 80 की जगह 90 कर देंगे 40, ताकि 40 का 45, 50, 60, 70 तब भी स्लिड होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे बोर्ड लगते हैं, पहले कैलकुलेशन हो जाती है उसके हिसाब से रेंज लग जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अगर स्पीड इससे ज़्यादा हो गई तो कार क्या हो जाएगी, स्किड हो जाएगी। कोई डाउट इसमें?